हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका सब्जेक्ट है हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड और हाउ टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ आवर माइंड। विल पावर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज विल पावर? व्हाट डू वी मीन बाय विल पावर? अगर हम विल पावर का मतलब जानेंगे तो इससे हमारा ब्रेन का विल पावर किस तरफ से इंक्रीज होगा उसका भी मेथड मिलेगा। इज विल पावर ए डिटर्मिनेशन टू डू ए एक्टिविटी, ए डिफिकल्ट एक्टिविटी इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कैन वी कॉल इट विल पावर? यस, वी कैन कॉल इट विल पावर। विल पावर का मतलब है किसी कठिन काम को कम समय के अंदर खत्म कर पाना, अपना विल पावर को इंक्रीज करना या विल पावर का डेफिनेशन मीनिंग हो सकता है। तो इससे मैं हम पता लगा सकते हैं कि हमारे ब्रेन का जो विल पावर है उसका डेफिनेशन क्या है। द एबिलिटी टू कंट्रोल योर ओन थॉट्स एंड द इमोशन इन द वे हाउ यू रिएक्ट टू इट और हाउ यू बिहेव टू इट। तो आज के टॉपिक पर आगे जाने से पहले मैं आप सभी को कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप क्या कीजिए, अपने घर के बालकनी में जाइए और नीचे नहीं देखने का पढ़ लीजिए। एक घंटा खड़े रहिए लेकिन नीचे नहीं देखिए। आप पूछेंगे इससे क्या होगा? मैं बोलूंगा कुछ नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनिए। आप क्या कीजिए, दो दिन खाना नहीं खाने का प्रण लीजिए या दो घंटे खाना नहीं खाने का प्रण लीजिए, उसके अंदर कुछ भी मत टच कीजिए, कुछ खाना मत खाइए। आप बोलेंगे इससे क्या होगा? मैं बोलूंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनिए। आप एक कार में लॉन्ग ड्राइव में चाहिए लेकिन प्रण लीजिए कोई भी पोस्टर कोई भी होर्डिंग रास्ते में आप नहीं देखेंगे, गाना नहीं सुनेंगे, रेडियो नहीं लगवाएंगे। आप बोलेंगे इससे क्या होगा? मैं बोलूंगा 100 out of 100% आपका आवारा मन कमजोर होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस में के कंट्रोल में आएगा, आपका आवारा मन का ताकत आपके बॉडी में आपके माइंड में आपके ब्रेन में कम होगा। आवारा मन से हमारा मेरा मतलब है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस थिंकिंग कमजोर होगा। बेवजह सोचना, बिना काम के कुछ काम को, बिना कुछ प्रॉफिट के कुछ काम को करना, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस। Subconscious mind will tell you many things which are not real or which will compel you to take compulsory actions, but you must not do it. Let the anxiety go as higher as higher. Anxiety को ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने, जब आप बालकनी में जाएंगे खड़े होंगे, आपका subconscious mind आपको बोलेगा जरा नीचे देख, जरा नीचे देख, जरा नीचे देख, लेकिन आप मत देखिएगा। आपका subconscious आपके conscious के control में आएगा। आपके कॉन्शियस ने क्या फिक्स किया है? मैं आज एक घंटा बालकनी में जाऊंगा लेकिन नीचे नहीं देखूंगा, गाड़ी चलाऊंगा लेकिन गाना नहीं सुनूंगा। नहीं सुनूंगा मतलब नहीं सुनूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं सुनूंगा। इससे आपका सबकॉन्शियस वीक होगा, कॉन्शियस माइंड राइट माइंड स्ट्रांग होगा। सो और अगर आप इस चीज को करेंगे तो इससे आपका माइंड का न्यूरो लिंग्विस्टिक एक्टिविटी प्रोग्राम स्ट्रांग होगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक एक्टिविटी प्रोग्राम से मेरा मतलब है आपके माइंड में जो कॉन्शियस थॉट्स आता है, कॉन्शियस थिंकिंग आता है, वो स्ट्रांग होगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है उसके अंदर जो एक्टिविटी होता है वो एक फॉर्मल मैनर में होगा। आप यूजलेसली नहीं सोचेंगे, आप यूजलेस काम नहीं करेंगे, बेकार में नहीं सोचेंगे, सही सोचेंगे। यू हैव टू थिंक राइट एंड पॉजिटिव, नॉट रॉन्ग और नेगेटिव। यू ऑलवेज हैव टू राइट, यू ऑलवेज हैव टू चूज द राइट पाथ, नो मैटर हाउ हार्ड द पाथ इट इज। आपके माइंड का विल पावर स्ट्रांग होने से पांच चीजें इससे आपके अंदर बढ़ेगा। पहला चीज है फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब किसी काम को करने से पहले जो हमको स्ट्रेस होता है, जो बेचैनी फील करते हैं, उसको मैनेज करने में हम कामयाब होंगे। अटेंशन बढ़ेगा, अटेंशन मतलब आपका कुछ काम को करने का मन, कुछ काम को करने के वक्त ध्यान, ये बढ़ेगा। इम्पल्स कंट्रोल होगा, आपका जो पल्स चलता है आपके बॉडी में, जो पल्स बीट होता है, आपका हार्ट बीट कंट्रोल होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। अगर आपका एंजाइटी है हाई नहीं हुआ तो सब कंट्रोल होगा, आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होगा और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा मतलब आपके अंदर जो भी आप अपने आप को बोलते हैं उसका अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ेगा। तो टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ द ब्रेन वी नीड टू थिंक ए लॉट बट इन द राइट डायरेक्शन। टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ द ब्रेन वी नीड टू थिंक ए लॉट। आप क्या सोचते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो हमसे ज्यादा सोचते हैं या कम? ज्यादा सोचते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में सोचते हैं। हम भी ज्यादा सोचते हैं हमको लगता है, लेकिन गलत डायरेक्शन में सोचते हैं, वही तो प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। अगर हम सही डायरेक्शन अपने आप को सही पाथ दे पाए उससे अच्छा और क्या हो सकता है, आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। तो दूसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो है कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम को भी आसान बना देते हैं।
कितना कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्यों ना ही आ जाए उनके आगे, तो उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये है पहला सिनेरियो। लेकिन दूसरे सिनेरियो 99.9% लोग वैसे होते हैं जो आसान से आसान काम को, आसान से आसान चीज को हार्ड कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। कॉम्प्लिकेट पहला सिनेरियो था कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजी करके सॉल्व करना, नेक्स्ट प्रॉब्लम है दूसरा सिनेरियो है इजी से इजी प्रॉब्लम को हार्ड करके सॉल्व करना। लोग ऐसे 99.9% जुड़े हुए हैं, 99.9% दूसरे सिनेरियो के लोग हैं, 1% इस दुनिया में पहले सिनेरियो के लोग। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई दुनिया में और आप उससे बड़ी आराम से निपट लिए, बड़ी आराम से। ये अगर आपने आजमा लिया अपने ऊपर, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया ये बात को, तो आप अपनी जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करने में, कुछ भी ना हो तो एक अच्छा इंसान बनने में, एक अच्छा स्ट्रेस मैनेजर बनने में आप जरूर 100% कामयाब होंगे। The path will be all yours. तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं उनका माइंड एक्चुअली वीक होता है। मतलब जो पहला कैटेगरी के लोग हैं जो इजी से इजी काम को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, उनका माइंड, उनका न्यूरोलिंग्विस्टिक इंपल्सिव प्रोग्राम वीक है। लेकिन जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम को भी इजीली सॉल्व कर देते हैं, उनका माइंड में ऑलरेडी मैपिंग हो रखा है। तो हमको 99.9% जैसा नहीं बनना है, हमको 0.1 जैसा बनना है। आपको 99.9% गलत नहीं होना है, आपको 0.1% सही होना है। क्योंकि कुछ भी हो जाए आपको राइट पाथ चूज करना है अपने लाइफ में, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज। अगर आप ये अपने अंदर कर पाए तो इससे आपका जो दिमाग का विल पावर है, आपका जो थिंकिंग मसल है, उसको सही तरीके से आप राइट पाथ में उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। यूटिलाइज का मतलब जो विल पावर, आप अपने आप को कैसे बोल सकते हैं मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय मेंटली स्ट्रांग, मैंने इतना समझा आपको, व्हाट डू वी मीन बाय मेंटली स्ट्रांग। तो जो हम लोग अपने अंदर अपने आप को बोलते हैं, जो हम अपने अंदर अपने आप को बोलते हैं उसका अगर मैपिंग किया जाए, जैसे मैं पिछले दो वीडियो में बोला हूँ अपने अंदर हम अपने आप को क्या बोलते हैं उसका अवेयरनेस लाना, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारे कॉन्शियस माइंड से अटैक करना। अटैक करना मतलब फिजिकली अटैक नहीं, साइकोलॉजिकली अटैक, पॉजिटिव वे में, राइट वे में। इसका मतलब नहीं आप कुछ चीज लेकर अपने आप को हार्म करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। अपना दिमाग को शक्तिशाली बनाना, इसको करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। मैं जो तीन एग्जांपल दिया वो तीन एग्जांपल आप अपना सकते हैं, या आप रीडिंग कीजिए डेली, मेडिटेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड नहीं ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर हैविंग, आपके पास जो है उससे खुश रहिए, दूसरों को देख के अपने आप को कष्ट मत दीजिए। Gratitude आप प्रैक्टिस कीजिए, माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब आप अपने अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हैं ये सचेतन मन से सोचिए, अचेतन मन से नहीं, सचेतन मतलब कॉन्शियस माइंड से सोचिए। आप सबकॉन्शियस को ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारा माइंड असली में कॉन्शियसली काम करता है, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस है उसके ऊपर ज्यादा हावी होता है। अगर ये माइंड को हम जो भी करके ये सबकॉन्शियस को अटैक करें साइकोलॉजिकली, कॉन्शियसली स्ट्रांग हुए, हम जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था उसका जो सब्जेक्ट था वो था हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग, या हाउ टू इंक्रीज द विल पावर ऑफ ब्रेन। तो मैं जो टॉपिक के ऊपर आज बोला इससे आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर इस टॉपिक में मैंने कुछ गलत बोला या कुछ गलत चीज इंफॉर्मेशन आपको दिया तो आप उसको रेक्टिफाई करके मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर सही किया तो मुझे अप्रिसिएट जरूर कीजिएगा। सो ये था मेरा थर्ड वीडियो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अब हो ही गया है, बोलने का तरीका बढ़ गया है, अच्छा हो गया है। लेकिन पूरा जो वीडियो है उसको मैं नीचे देखकर ऊपर देखकर आपको सीधा साधा नहीं करता हूँ, लेकिन इस टाइम में मुझे थोड़ा नीचे ऊपर देखना पड़ता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं लिख रखा हूँ एक कॉपी में, लैपटॉप में उसका डिजिटल इनर्सिया बनाया हो, उसका डिजिटल ग्राफ बनाया हो, एंजाइटी और आपका टाइम ग्राफ बनाया हो, मैं जो वीडियो के लास्ट में जरूर ज्वाइन करूंगा। सो ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।